sugar it blooms on the shore of lollipop ek sea hai uska naam kya hai lollipop sea yes aapka camera nahi dikh raha hai camera nahi dikh raha hai abhi dikh raha hai yes good so मैम आप लीव क्यों हो गए थे ये डिस्कनेक्ट हो गया था नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा था नो इंटरनेट तो डिस्कनेक्ट हो गया जूम भी पूरा चला गया फिर वापस से मैंने रीजॉइन किया ओके तो अभी क्या है शुगर प्लम ट्री हैव यू एवर हर्ड कभी आपने सुना है शुगर प्लम ट्री के लिए पोएट बोल रहे हैं इट इज अ मार्वल ऑफ ग्रेट रिनाउन ये बहुत ही फेमस ग्रेट पर्सन का मार्वल है मतलब एक अजीब चीज है इट ब्लूम्स ऑन द शोर ऑफ लॉलीपॉप सी अभी लॉलीपॉप सी पोएट ने क्या बोला एक सी है उसका नाम क्या है लॉलीपॉप सी कितने सारे सी होते हैं ना जू बीच होता है अक्सा बीच है जू बीच है वैसे ही इन्होंने ये बीच का नाम क्या दिया है लॉलीपॉप क्या नाम दिया है लॉलीपॉप सी जैसे बॉम्बे में जू बीच है आप गए हो कभी जू बीच पे नो मैम ओके इन द गार्डन ऑफ शट्टाई टाउन मतलब एक जगह है टाउन है वहां पे एक गार्डन है उसके अंदर है वो द फ्रूट दैट इज बैड इज सो वंडरफुल स्वीट जो इसके फ्रूट है वो बहुत स्वीट होते हैं मीठे मीठे होते हैं कि नहीं ये प्लम जो है स्वीट होते हैं कभी आप मार्केट जाओगे ना तो वहां पे आप पूछना फ्रूट सेलर से प्लम आपके पास अभी विंटर सीजन में आएगा वो एज दोज हु हैव टेस्टेड इट से जिन्होंने टेस्ट किया है उनको मालूम है दैट द गुड लिटिल चिल्ड्रेन एंड लिटिल चिल्ड्रेन को बहुत अच्छा लगता है वो प्लम वो बहुत खाते आपने खाया है आपको अच्छा लगता है अनुग्रह आपने खाया है प्लम कभी हैव यू एवर नो मैम चेड नो नो मैम मुझे तो मालूम भी नहीं क्यों होता क्या है नहीं मालूम है प्लम आलू बुखारा बोलते हैं उसको रेड कलर का रहता है सॉफ्ट सॉफ्ट छोटे छोटे चेरी से थोड़ा बड़ा मैम क्या आप एप्पल की बात कर रहे हो नहीं एप्पल से थोड़ा छोटा होता है वो रेड कलर सॉफ्ट सॉफ्ट एप्पल थोड़ा हार्ड रहता है प्लम थोड़ा सॉफ्ट रहता है ओके सो लिटिल चिल्ड्रेन को जब भी आप खाओगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा तो लिटिल चिल्ड्रेन like to eat so much and the of that fruit and to be happy next day they are always happy to eat that now uske niche dekho aap meanings likhe hue hain picture ke niche aapne dekha meanings likhe hue hain to abhi hum wo meanings kar yes ma'am okay ये आपको ओरल में आने वाला है कि रिटन में इसका ओरल लिया है टीचर ने यस मैम ये कब से ले चुका है मैंने सबका ले चुके हैं सबका ले चुके और इसके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं टीचर ने बोला है नो मैम अभी तो मालूम तो नहीं टीचर ने कुछ बताया तो नहीं अभी ओके तो हम मीनिंग्स करते हैं आज ओपन योर इंग्लिश नोटबुक ओके मैम फर्स्ट वन सी क्या लिखा हुआ है टी आई एस टिस मतलब वही शॉर्ट में लिखा हुआ है उन्होंने टी आई एस टिस का मतलब है इट इज It is. Next है marvel. What is the meaning of marvel? मतलब बहुत अच्छा हम कोई चीज देखते हैं तो बोलते हैं ना wow, it is marvelous. ऐसे करते हैं ना हम एक्शन में तो मार्वल मीन्स
Marvel means wonderful. Renown. Renown means kya? If something or place renown is famous. Famous. Ma'am. Yes. जब स्क्रीन पे लिख रहे हो हम लोग को लिखना है हाँ ओपन योर इंग्लिश नोटबुक राइट टुडेज डेट एंड राइट दिस मीनिंग्स मैम यस मैम ये जो आप स्क्रीन पे लिख रहे हो हम लोग को बुक में लिखना है क्या हम लोग को फोटो भेज के आपको सेंड करना है नहीं आपको सिर्फ लिखना है ये और लर्न करना है ये होमवर्क में लर्न करना है अभी वन टाइम लिखना है होमवर्क में आपको थ्री टाइम लिखना है और लर्न करना है ओके मैम मैम मैंने लिखा मैम आई डन डन यस नाउ फर्स्ट वन मैंने क्या लिखाया है ई आई आई एस आई आई एस ओके इसका टी आई एस का मीनिंग क्या है इट इज इट इज वेरी गुड नेक्स्ट इज मार्वल एम ए आर मार्वल 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 का मीनिंग क्या लिखा है मैंने वंडरफुल 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 मतलब बहुत सुंदर बहुत अच्छा बहुत सुंदर वंडरफुल रिनाउन थर्ड इज रिनाउन आर ई आप ऐसे ब्रेक कर करके रीड करोगे ना तो आपको नहीं होगी आर ई री और एन नो रिनाउन 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 मीन्स रिनाउन का मतलब क्या होता है जो फेमस होता है उसको बोलते हैं रिनाउन एफ ए एम ओ यू एस फेमस फेमस नेक्स्ट इज लास्ट इज वंडरसली डब्ल्यू ओ एन वंडरसली वंडरफुली वो बहुत ही वंडरफुल है बहुत अच्छा है मार्वल मार्वल का मीनिंग भी वंडरफुल है वंडरसली का मीनिंग भी वंडरफुल है ओके ओके मैम नेक्स्ट इज ब्लूम ब्लूम क्या होता है जब ही कोई फ्लावर है वो ग्रो होता है फ्लावर पहले छोटा होता है ना उसका
उसका जो मुंह है वो छोटा होता है, फिर धीरे 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 वो ग्रो होके ऐसे ओपन हो जाता है, जैसे फ्लावर रोज देखा है आपने, रोज। मैम हाँ, तो रोज कैसे पहले छोटा होता है फिर प्लांट के ऊपर ग्रो बड़ा बड़ा होता है हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लूम। उसको क्या बोलते हैं? ग्रो। ब्लूम। ब्लूम मीन्स ग्रो, ग्रो, और फ्लावर्स ग्रो। फ्लावर ग्रोथ। ओके, अभी उसके नीचे क्या है? राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोयम। ये हो जाए, फिर उसके नीचे आप देखो क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, ये हो गया लिख के आपका। यस। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर वन में क्या लिखा हुआ है? राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पोयम। अभी पोयम में जो जो नेम्स है ना वो लिखने हैं हमें, नेमिंग वर्ड लिखने हैं। नेम्स मींस क्या? नाउन। नेमिंग वर्ड मतलब नाउन। नाउन फर्स्ट वन, कौन से ट्री के बारे में पोएट बोल रहा है? ट्री का नाम क्या है? ये पोयम में ट्री का नाम क्या है? कौन से ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं? एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री, शुगर प्लम ट्री? प्लम ट्री। यस, तो आएगा यहाँ पे डैश में क्या आएगा? शुगर प्लम, राइट? शुगर। शुगर शुगर डैश प्लम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डैश सी, SCAC। तो सी वेट, कौन से सी के बारे में बात कर रहा है? शुगर प्लम। शुगर प्लम ट्री है, और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? सेकंड वन, बी क्वेश्चन पढ़ो। बी क्वेश्चन बी में क्या लिखा हुआ है? डैश डैश द हूज हैज एवर सी। हर्ड ऑफ द शुगर प्लम ट्री द लॉलीपॉप सी। वेरी गुड, तो आएगा द लॉलीपॉप, द लॉलीपॉप सी, द राइट, द लॉलीपॉप। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लॉलीपॉप? LOLLIPOP। यस, वेरी गुड। बिल्कुल केयर मैम की चीज नहीं रह गई है ना, मालूम है मैम। अरे दे भाई तेरा, अरे दे भेजो मेरे को, तेरा तबियत खराब, मैं ना तेरे को खाना खाई पूछूं के। नेक्स्ट इज व्हाट? टाउन। कौन सा टाउन के बारे में बताया पोयम पोएट ने? विच टाउन इट इज? व्हाट इज द टाउन नेम? नाउन नहीं, टाउन का नाम क्या है? नेक्स्ट थर्ड वाले टाउन, टाउन का नाम क्या है? क्वेश्चन देखो, डैश टाउन। ऑन ऑन द लॉलीपॉप सी। ओके, ऑफ शर्ट
टाउन टाउन कौन सा है? टाउन का नाम क्या है? शट आई टाउन. क्या नाम है? शट आई टाउन. शट आई टाउन. शट आई टाउन. शट आई टाउन. राइट दिस स्पेलिंग शट आई टाउन. वी शट आई टाउन. शट का स्पेलिंग क्या है? एस एच यू टी शट E-Y-E. का स्पेलिंग क्या है? E-Y-E. शट आई E-Y-E. नेक्स्ट इज क्वेश्चन है. देखो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेयर डज द शुगर प्लम ट्री ब्लूम. क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? वेयर प्लेइंग शुगर प्लम ट्री ब्लूम. कहाँ पे ब्लूम हुआ था वो? तो आंसर क्या आएगा उसका? पोयम में ही है आंसर. शुगर प्लम ट्री ब्लूम्स ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन. यस, तो आपको लिखना है शुगर प्लम ट्री ब्लूम्स ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी इन द गार्डन ऑफ शट आई. लॉलीपॉप सी तक ही लिखना है, आगे नहीं लिखना है. ऑन द शोर ऑफ लॉलीपॉप सी. यस, द लॉलीपॉप ट्री. और फुल स्टॉप देना है. फुल स्टॉप दोगे तो सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं तो टीचर मार्क्स नहीं देगी आपको. फुल स्टॉप आपको लास्ट में ऐसे डॉट देना है. फुल स्टॉप बोलते हैं उसको. यहाँ पे आएगा टी एच ई द शोर ऑफ द लॉलीपॉप ट्री. नेक्स्ट मैम. Next is, why is the town called Shut Eye Town?
डन, क्वेश्चन नहीं लिखना है खाली आपको? नो मैम। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, खाली आंसर लिखना है बस। लेकिन मैम मैंने तो क्वेश्चन लिख भी दिया। आंसर लिखा आपने? हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाई इज द टाउन कॉल्ड शटर टाउन? क्या लिखा है इसका आंसर आपको टीचर ने? वेट मैम, सेकंड क्वेश्चन का टीचर ने आंसर क्या लिखा है आपको? व्हाई इज द टाउन कॉल्ड शटर टाउन? आई डोंट मैम। शटर टाउन नाम क्यों लिखा है? क्योंकि हम जब भी हम ड्रीम देखते हैं, सपना देखे रहते हैं, आईज बंद होती है ना हमारी। यस, तो इसमें भी द पोएट क्रिएट्स ड्रीम लैंड, पोएट ने ड्रीम लैंड क्रिएट किया है बच्चों के लिए, जिसमें उसने सी का नाम रखा है लॉलीपॉप। बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं ना, तो सी का नाम क्या रखा है? लॉलीपॉप। और टाउन का नाम रखा है शटर टाउन, क्योंकि वो आंखें बंद करके सपना देख रहा था, तो उसने सपने में ड्रीम लैंड क्रिएट किया है। यस, ये जो आप द का ये क्या सेकंड आप लिख रहे हो? हाँ, सेकंड आंसर। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द टाउन कॉल्ड शटर टाउन? शटर टाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोएट जिसने ये लिखा है ना पोयम, उसने बच्चे एक ड्रीम लैंड बनाया है, इसीलिए इसका नाम शटर टाउन है। शटर मतलब आईज बंद, तो हम तो आईज बंद करके देखते हैं कि आईज ओपन करके देखते हैं? आईज बंद करके। हाँ, तो इसीलिए इसमें इसका नाम शटर टाउन लिखा है। ये ड्रीम लैंड है, ड्रीम लैंड। एंड सो द टाउन कॉल्ड, बाकी क्वेश्चन सही है, द टाउन कॉल्ड शटर टाउन। क्वेश्चन में स्पेलिंग लिखा हुआ रहता है, आपको सिर्फ चेक करना है। ओके मैम। और लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना है। ओके मैम। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ओके मैम।
उसको ग्रामर में क्या आने वाला है वो मुझे फोटो भेजना ना आप, इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या आने वाला है। ओके मैम। Now third question क्या है? What happen if you eat the fruit of sugar plum tree? बच्चे अगर sugar plum tree का fruit खाते हैं तो क्या सोचते हैं? कितना मीठा है? Last line में क्या लिखा है? That fruit, when children eat that fruit, they will be happy next day. वो happy feel करते हैं next day भी. Next day we happy next day. Yes. So if we eat that fruit, अभी dream का भी देखते हैं रात को, तो रात को बच्चों ने fruit खाया और next day जब भी उठे तो happy होंगे कि नहीं? Yes. इसीलिए poet ने बोला है that the children will be next day. Answer third. And if you eat the fruit of sugar plum tree, the children, when the children when eat fruit, next की spelling क्या है? N E X T. N E. Day. Day की spelling क्या है? D-A-Y day. D-Y day. T-I-M-E day. D-A-Y day. यहाँ पे भी आएगा वी विल बी हैप्पी नेक्स्ट डे व्हेन वी ईट फ्रूट ऑफ शुगर प्लम ट्री वी विल बी हैप्पी नेक्स्ट डे। ओके ये आपको ये मीनिंग भी लर्न करना है ये क्वेश्चन आंसर्स और ये भी लर्न करना है आपके एग्जाम में आएगा। ओके मैम। और उस दिन मैंने आपको ये कराया था ना हैज हैव हैड कौन सा मैम हैव एंड हैड। हाँ हो गया वो टेस्ट आता है अभी आपको हैज हैव हैड। यस मैम थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्यों पूरा आना चाहिए? स्मार्ट इंडिया के में आप पढ़ते हो तो स्मार्ट हो गए हो ना अभी तो आपको पूरा आना चाहिए। मैम माय डन थर्ड क्वेश्चन आंसर इज डन। ये आपको लर्न करना है अभी आपको आर्टिकल्स मैंने सिखाया था वो आते हैं ना ए और एन। Yes. और क्या आएगा आपको एग्जाम में? नाउन नाउन आते हैं ना आपको नाउन नेमिंग वर्ड नेम प्लेस एनिमल थिंग उसमें अगर बोलेंगे अंडरलाइन नाउन तो आपको अंडरलाइन करना है एग्जाम में।
नेम प्लेस एनिमल होगा, अगर ऊपर से लिखा होगा अंडरलाइन नाउन तो वो आपको नीचे अंडरलाइन करना है. ओके और ये आप लर्न करना. अभी नेक्स्ट क्लास आपका थर्सडे को है तो मैम थर्सडे को कौन सा क्लास रहेगा? इंग्लिश रहेगा. पहले मैं इसका ये टेस्ट ले लूंगी और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 डॉक्टर डूलिटल, ये वाला चैप्टर आपको समझाऊंगी. स्कूल में हो गया है ना ये चैप्टर? यस. तो ये समझाओ. ओके मैं तो अभी सेकंड में था तब भी हो गया था ये. था ये अभी थर्ड में है आपको डॉक्टर डूलिटल? नहीं मैम तभी मैं थर्ड में गया था ना तब भी ये पढ़ाया गया था. हाँ तो ये हम करेंगे और ग्रामर करेंगे हम. ओके मैम. ओके और ग्रामर में क्या आएगा आप मुझे पिक फोटो भेजना. ओके मैम. ओके बाय बाय. बाय बाय मैम. सी यू टू. सी यू. बाय. इंग्लिश का एग्जाम अच्छे से करना एंड चेक योर पेपर प्रॉपरली. ओके मैम. बेस्ट ऑफ लक. बाय. थैंक यू मैम. बाय बाय मैम. बाय बाय.